हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाया घर में लिक्विड सिंदूर। तो इस सिंदूर को कैसे बनाया, चलो आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। इसके लिए हमको चाहिए पाउडर सिंदूर, कोई भी कलर ले सकता है आप लोग, और एक साफ बाटी ले लिया। और इसमें ले लेंगे हम एलोवेरा जेल, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना फेस में, वही जेल ले लेंगे। और ले लेंगे 2 विटामिन ई टैबलेट। आप लोग चाहिए तो थोड़ा कम बनाएंगे तो एक भी ले सकता है। और जो लिक्विड सिंदूर का जो बोतल होता है ना, वो फेंकना नहीं है, वो काम लगेगा इसमें। तो ले लेंगे 1/2 चम्मच सिंदूर। आप मेरून कलर भी ले सकता है, मैंने ले लिया है रेड कलर। और इसमें ले लेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम एलोवेरा जेल। और विटामिन ई टेबलेट को कट करके इसमें डाल लेंगे, इसका जेल को। ये घर में बना हुआ चीज़ बहुत ही अच्छा होता है, और ये कलर भी इतना अच्छा होता है, शाइनिंग भी बहुत अच्छा होता है। हम तो घर में यही यूज़ करते हैं, टाइम भी नहीं लगता है और घर में इतना जल्दी रेडी भी हो जाता है, और सस्ता तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है ये। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरा ये छोटा छोटा टिप्स अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे को प्लीज़ बताइए, फिर हम नेक्स्ट में कोई टिप्स लेके फिर आएंगे आप लोग का सामने। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक मिक्स करना है। 1 मिनट मिक्स करने से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड सिंदूर का जो बोतल होता है वो ख़त्म होने के बाद फेंक देते हैं, तो इसको आगे से फेंकना नहीं है, इसको अच्छे से वॉश करके रखना है। तो हम अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के लिए झमेला भी नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा डालने के बाद ना अच्छे से इसका अंदर चला जाएगा, और थोड़ा सा फैलेगा भी तो इसको बाद में वॉश करने से अच्छे से वॉश हो जाएगा। देखिए हम अच्छे से इसके अंदर सारा डाल लिया है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, शाइनिंग भी इतना अच्छा शाइनिंग होता है। चलिए हम आप लोग को एक बार ट्राई करके भी दिखा देते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो जो मेरा चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है उसको थैंक यू, जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।